नमस्कार, मैं हूं राहुल ताला। दिल्ली पानी पानी है, बड़े शर्म की बात है, देश की राजधानी में बाढ़ आई हुई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। केजरीवाल जी ने बोल दिया है कि ये भाजपा ने लाई बाढ़ है, क्योंकि पानी छोड़ा गया है हथनी कुंड बैराज से, हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ दिया गया है। सवाल ये है, तो अच्छा पानी नहीं छोड़ते, हथनी कुंड बैराज से पानी नहीं छोड़ा जाता तो पानी जाता कहां? हथनी कुंड बैराज पानी थोड़ी बनाता है, पानी का फ्लो ही नेचुरल है। दिल्ली में हरियाणा से आया और हरियाणा में कहीं और से आया, और कहीं और जगह हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में बारिश से आया, पहाड़ों पे पानी बारिश से आया, तो नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस आगे चलती रहेगी। अब ये दिल्ली इस पानी को सोखेगी थोड़ी, दिल्ली इस पानी को सोख जाएगी क्या? दिल्ली आगे छोड़ देगी, वो यूपी हरियाणा में फिर वापस पहुंच जाएगा, और यूपी हरियाणा से फिर वो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से फिर यूपी, फिर यूपी से फिर बिहार, ऐसी करके वो पानी समुद्र में जाके मिलता है। यही तो नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन जिस तरीके से बचने की कोशिश की गई है, केजरीवाल जी ने जो तर्क दिए हैं वो बड़े बचकाना है। एक नेता से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती है कि वो ऐसे बचकाना तर्क देगा, और इस पे हंसी भी आती है। आप जब सत्ता में आए थे, आपने बोला था कि दिल्ली की सफाई करेंगे, दिल्ली को ये करेंगे, दिल्ली को पेरिस बना देंगे। कुछ दिन पहले आपने बोला दिल्ली में झील बनाएंगे, 380 झील बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वादे पे वादे, वादे वादे पे वादे, वादा तेरा वादा कभी खत्म ही नहीं हो रहे। लेकिन इन जब से दिल्ली में केजरीवाल जी आए, या उससे पहले भी बहुत सारी सरकारें रही हैं, ऐसा नहीं है बाढ़ पहली बार आई है। तो ये बाढ़ एक नेचुरल प्रोसेस है, आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन सारी चीजों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। दिल्ली जैसे शहर जो राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी है, वो कंट्रोल किया जा सकता है, बाकी और जगह भी कंट्रोल किया जा सकता है, और बहुत सारे देशों ने ये करके दिखाया है। लेकिन कभी भी यमुना की आपने सफाई होते हुए देखी है? सिल्ट निकालते हुए देखा है यमुना में? यमुना में इतना अतिक्रमण है दिल्ली में, आप देख सकते हैं घर बन गए, बिल्कुल नदी के किनारे पे घर बना दिए, और भी जो नदी का खादर बहाव क्षेत्र होता है उसमें घर बनाए जा रहे हैं, झोपड़ी पड़ी है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन यमुना से कभी भी आपने सिल्ट की सफाई नहीं देखी होगी, कि कभी सिल्ट निकाली जा रही, जो रेत आती है यमुना में, जो कूड़ा जमा हो जाता है यमुना की धारा में, उसको गहरा करके कि पानी निकलने का बहाव, जो बहाव क्षेत्र है उसमें से सिल्ट की सफाई हो जाए तो पानी आसानी से गुजर जाए, लेकिन यमुना गहरी नहीं है। यमुना ऐसे लगता है जैसे जमीन पे बह रही है यमुना, कभी सफाई नहीं हुई, किसी सरकार ने भी सफाई नहीं की है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हम सब हैं, हमारी व्यवस्था जिम्मेदार है, हमारे नेता जिम्मेदार हैं, हमारे वो नेता जिम्मेदार हैं जो बात करते हैं बड़ी बड़ी और करते कुछ नहीं है। आज लोगों के घरों में पानी है, दिल्ली एकदम ब्लॉक सी हो गई है, बड़े शर्म की बात है कि राष्ट्रीय राजधानी में ऐसा कुछ हो रहा है। मानसून है, मानसून में बारिश होती है, लेकिन हर बार यही देखते हैं, ये ठीक है कि भाई पिछले कई दशक का रिकॉर्ड टूट गया है, तो आप प्रकृति पे कंट्रोल थोड़ी कर सकते हैं। लेकिन कुछ मानव जनित परेशानियां जो हैं, जो मानव जनित, जो जिनका कारक मानव है, जो आपके भ्रष्टाचार की वजह से या आपके काम ना नाकारापन की वजह से हुई हैं, उनको तो ठीक किया जा सकता है। जैसे जो यमुना के बहाव क्षेत्र में घर हैं, जो अतिक्रमण करके घर बनाए गए, उनको तोड़ा जा सकता है, उनको हटाया जा सकता है, उस अतिक्रमण को हटाया जा सकता है, ड्रैगिंग की जा सकती, यमुना को गहरा किया जा सकता है। जब ये सारी चीजें नहीं होंगी तो यही सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन जब आप इस पे बात करेंगे तो आपको बोल दिया जाएगा कि भाई इसके लिए जिम्मेदार केजरीवाल नहीं है, इसके लिए मोदी जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। जिसकी सरकार है, अगर जो आप उस पे कुछ भी बोलेंगे तो आपको ट्रोल करने की कोशिश की जाएगी और कहा जाएगा आप इसके आदमी हैं, उसके आदमी हैं, उसके आदमी हैं, आपको यहाँ से पैसा मिल रहा है, वहां से पैसा मिल रहा है, वहां से पैसा मिल रहा है। ये इस देश का नाकारापन है, हमारे देश के जो विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ता हैं उनका नाकारापन है, कि आप अपनी पार्टी, अपने नेता को गलत तरीके से भी डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, गलत को भी डिफेंड करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो आप फिर पता लगता है कि आप एक तरीके के गुलाम हैं, आपने अपनी सोच को बंधुआ बना दिया है। जब आप सवाल करने की, जब आप में हिम्मत नहीं होती है तो आप बंधुआ बन जाते हैं। तो जो भी कार्यकर्ता हैं विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को, उनको अपने नेतृत्व से पूछना चाहिए, भाई ये क्यों आ रही है बाढ़, क्यों दिल्ली में पानी घुस जाता है, क्यों लाल किले तक पानी पहुंच जाता है, क्यों सड़कें जाम हो जाती हैं, रेंग रही है दिल्ली, क्यों रेंग रही है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जब कभी भी आप यमुना की सफाई नहीं करेंगे, सफाई के नाम पे बजट, एक साल में यमुना साफ कर दूंगा, जब सरकार में आए थे केजरीवाल जी, उन्होंने बोला था एक साल में यमुना साफ कर दूंगा, हो गई यमुना साफ? नहीं हुई।
क्यों नहीं हुई? क्योंकि आप सिर्फ वादे करना जानते हैं, उन वादों को पूरा करने के लिए जो जीविषा चाहिए वो नहीं है। और ये देश ऐसे ही झेलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि आगे नहीं झेलेगा, आगे भी झेलता रहेगा। जब तक देश की जनता जागृत नहीं होगी, जागरूक नहीं होगी, तब तक झेलता रहेगा। तब तक आप में हिम्मत नहीं होगी अपने नेता से सवाल करने की, तब तक आप ऐसे ही घिसटते रहेंगे, नेता आपको ऐसे ही घिसटते रहेंगे। जब जिस दिन आप में लोकतंत्र के नैतिक अधिकार, जिस दिन आप में सवाल करने की हिम्मत आ जाएगी अपने सत्ता से कड़वे सवाल, उस दिन आप जीवंत लोकतंत्र बन जाएंगे। और जीवंत लोकतंत्र की यही निशानी है कि आप सत्ता से सवाल करें कड़वे सवाल, वो सवाल बगैर लाग लपेट के होने चाहिए। ये नहीं कि ये मेरी पार्टी है, मेरी पार्टी है, मैं केजरीवाल से सवाल नहीं पूछूंगा क्योंकि वो मेरे नेता हैं, मैं बीजेपी से सवाल नहीं पूछूंगा क्योंकि मोदी मेरे नेता हैं, मैं कांग्रेस सवाल नहीं पूछूंगा क्योंकि राहुल गांधी मेरे नेता हैं। ये नहीं, ये जीवंत लोकतंत्र नहीं है, ये बंधुआ है, बंधुआ लोकतंत्र है। धन्यवाद।